Assalamu alaikum dear students. Today we will be start the lecture number 21. Class 9 unit number 2 exercise 2.1. Student हमने पहले 10 question 28 lecture में किए. अब 11 question है कि write the decimal representation of the following numbers. इन number को decimal form में convert कर लीजिए. आपको नजर आ रहा है part 1, part 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4. ये पार्ट में गिवन नहीं है लेकिन मैंने यहां पर इनको पार्ट्स का नाम दे दिया. ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व एंड डेट नंबर्स एंड कन्वर्ट इनटू द डेसिमल फॉर्म. सो ये डिनोमिनेटर है आपके पास, ये इंडेक्स में आ जाएगा और नोमिनेटर रेडिकेंट की जगह पर चला जाएगा. 6-1 पे डिवाइड नहीं होता तो यहां पर पॉइंट लगाकर ऊपर भी पॉइंट लगा लेंगे. अब 0 लगाकर 1 6 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स जब इसको हम माइनस करेंगे. फिर दूसरा 0 लगाकर वो नीचे उतार कर ये 40 हो जाएगा. अब 6 6 36 बन जाएगा. ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा. फिर यहां से 4 आता है, फिर 0 करके उसको नीचे लाए और ये 40 फिर 6. तो ये इसी तरह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज जारी रहेगा. तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया 1.6 को 0.8 का नोट, इसी तरह जाएगा ये 0 भी इसी तरह जाएगा. तो 0.166 ये इसी तरह से कंटिन्यूज जाते रहेंगे. ठीक है, आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बाज लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं कि 166 तो 166 ये 6 से ज्यादा तो लास्ट में क्या करेंगे कि ये 7 की कही है तो 7 लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन वीडियो है. नाउ डेट इस नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देख ले 7 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा. यानी 7 को डिवाइड 6 को डिवाइड करना है 7 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1 7 का नहीं होता तो पॉइंट लगाकर 0 यहां पर पॉइंट यहां पर भी लगाएंगे. अब एक ये 60 है स्टूडेंट, तो 7 7 14 9 और 8 7 56 आ जाएगा. नीचे 4 आ जाएगा, फिर 0 को लिख कर नीचे उतार लें तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा. अब क्या कर लें, 5 7 35 आ जाए स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. 0 लगाकर उसको फिर नीचे कन्वर्ट कर लेते 50 हो जाएगा. 7 7 49 ठीक है स्टूडेंट, 7 आ जाएगा. फिर 0 लगाकर यहाँ पर आ जाएगा 10 1 7 7 स्टूडेंट. ये यहाँ से इसी तरह से कंटिन्यूज जारी रहेगा. इसको भी कंटिन्यूज में लिख ले, इसको भी कंटिन्यूज में लिख ले. तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, क्या किया 0.8571 और ये इसी तरह से कंटिन्यूज जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 99 और रेडिकेंट में 0 9.0 लगा, यहां पर भी पॉइंट लगा ले तो 2 9 18 आ जाएगा स्टूडेंट्स. यहां से 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे, फिर 2 9 18 आ जाएगा स्टूडेंट्स. देख ले 2 2 भी आ रहा है. ठीक है ना स्टूडेंट, ये भी इसी तरह से कंटिन्यू होगा, ये भी इसी तरह से, ये भी. तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0.2 ये इक्वल होगा 0.2 2 2 और इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा. लास्ट वाला जो है अब इसको करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1 8. अब पॉइंट लगाकर 0 ऊपर पॉइंट 1 8 8 2 आ जाएगा नीचे, 0 लगाकर कन्वर्ट कर लें तो ये 2 8 16 आ जाएगा स्टूडेंट्स. 4 कर ले, 0 लगाकर उसको शिफ्ट कर ले तो 0 5. ये अब ये कंप्लीट वो हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 0 आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.125. ये कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, वो कंटिन्यू चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा यहां पर. तो ये आपने आपके साथ फ्रैक्शन नंबर थे उसको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 12 के हर एक नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है. इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 1 3. पॉइंट लगा ले यहां पर भी पॉइंट, 3 3 9 1 आ जाएगा, 0 को नीचे उतार ले फिर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो ये तकरीबन हर स्टेप में ये 1 1 कंटिन्यूस जारी रहेगा स्टूडेंट. ठीक है, इस तरह जारी होगा, इस तरह ये कंटिन्यू होगा, तो आपका आंसर 0.3332 सौ आए. ये जो करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या जाएगा 1 एंड 4. अब 0 लगाए स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट 2 4 8 2 आ जाएगा,
ये यहां पर कन्वर्ट कर लेता हूं, 5 4 20 आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 0.25 आ जाएगा आपके साथ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर को रेडिकेंड में लिख ले, डिनोमिनेटर को इंडेक्स में लिख ले, 0.0 ऊपर पॉइंट तो 1 9 9 1 आ जाएगा, यहां पर 0 लगाकर इसको नीचे उतर फिर ये 1 9 9 9। अब ये कंटिन्यूस जाएगा स्टूडेंट, ये भी कंटिन्यूस, तो आंसर क्या आएगा 0.11 कंटिन्यूस। अब 1 डिवाइड बाय 10 तो ये स्टूडेंट इसको 10 यहां पर 1 यहां पर पॉइंट लगाकर 0 ऊपर पॉइंट 1 10 जा 10 0 आ जाएगा, तो आंसर 0.1 आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन देख लें, मैं नंबर लाइन के वो आपके सामने ड्रा कर लेता हूं, दैट इज नंबर यानी लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, ये 0 पॉइंट सारे 0 में 0, तो इसको मैं 0 लिखता हूं, यहां पर मैं 1 यहां पर मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां -1 यानी राइट पे जब जाएंगे 0 का तो प्लस में नंबर लिखेंगे 1 2, जब लेफ्ट पे आएंगे तो -1 -2। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इसको मैं आपके सामने कोई डिवीजन करता हूं, ये 0 ये 0.1 ये 0.2 ये 0.3 ये 0.4 0.5 0.6 0.7 8, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.9 हो जाएगा, ये 0.5 ये 0.6 ये 0.7 और ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख ले, मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए था, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ये पॉइंट्स वाले नंबर है सारे, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 7 8 एंड 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने इसको नंबर लिख लिया। अब जो फर्स्ट पॉइंट है जो 0.3 की है, तो ये देखिए 0.1 2 3 और 3 के बिल्कुल यहां पर कोई ये नंबर मौजूद होगा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते, ये नंबर मेरे पास यहां पर कई है, ये 1 डिवाइड बाय 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 0.25 तो 0.2 ये है और इसके दरमियान में ये नंबर आपके साथ मौजूद है, ठीक है, ये वाला नंबर आपके साथ 0.25, ठीक है स्टूडेंट्स। 0.11 0.1 तो ये इसके 0.1 से थोड़ा ऊपर राइट साइड पे 0.11 मौजूद होगा और लास्ट वाला नंबर वो 0.1 ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपने इस सारे नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स की। पहली प्रॉपर्टी एडिशनल, एडिशन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, ये एडिशन के लिहाज से आपके साथ रियल नंबर्स की कितनी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स इफ आपके साथ जब दो नंबर्स होंगे ए और बी, वो दोनों नंबर्स रियल नंबर्स हो, यानी ए और बी दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, अगर आप उन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो वो भी बिलोंग करेंगे किसको, रियल नंबर को। जब आपके साथ दो नंबर हो स्टूडेंट्स और उसको आप ऐड करते हैं, वो दोनों नंबर का एडिशन भी क्या हो, रियल नंबर आ जाए, यानी दोबारा रियल नंबर आ जाए, सो इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर इफ 2 3, 2 और 3 आपके साथ क्या है, एक रियल नंबर है स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं और इससे जो आप 5 आता है वो 5 भी क्या है, एक रियल नंबर है। सो द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स अगेन जो आपके साथ आ जाता है वो रियल नंबर हो, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी और वो तीनों नंबर रियल नंबर हो, जब इन तीनों नंबरों को भी आप ऐड कर लेंगे उससे भी जो आंसर आ जाए वो भी रियल नंबर को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वो तीनों नंबर क्या हो गए, आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इस तरह ए प्लस बी प्लस सी पहले बी सी को ऐड कर ले फिर ए प्लस बी और फिर बाद में सी उसके साथ ऐड कर ले उससे भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों से आंसर सेम आएगा, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आपके साथ एडिटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं,
यानी आप कोई आपके साथ एक नंबर है मिसाल के तौर पर, यानी ए बिलोंग टू रियल नंबर, इसी तरह वेयर एग्जिस्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो जीरो है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, सच दैट अगर हम इस ए को जीरो के साथ ऐड कर ले या जीरो को ए के साथ ऐड कर ले, उससे दोबारा वही नंबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके साथ टू एक नंबर है जो रियल नंबर है, जीरो भी एक रियल नंबर है, अगर टू को हम जीरो के साथ या जीरो को हम टू के साथ ऐड कर ले तो इससे टू ही आएगा और वो टू रियल नंबर ही है। तो इस किस्म के प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, स्टूडेंट आपके साथ ए एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक दूसरा नंबर, देयर एग्जिस्ट वन ऑफ नंबर यानी माइनस ए, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो इससे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आती है, तो दैट इज कॉल्ड ए एंड ए, ए एंड माइनस ए आर एडिटिव। ये क्या है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपके साथ ए बी ये मिलान कर रहा है रियल नंबर को, जब आप ए बी को ऐड करते हैं या बी ए को ऐड करते हैं ये भी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, तो इस किस्म प्रॉपर्टी कम्यूट, जब नंबर कट जाए तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहां पर यानी आपके साथ दो नंबर हैं ए और बी, वो रियल नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो उससे भी एक रियल नंबर आएगा, यानी इफ एग्जिस्ट टू नंबर बिलोंग टू रियल, बोथ आर मल्टीप्लाई या द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स आल्सो बी रियल नंबर, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। द सेकंड वन प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होगी, आपके साथ तीन नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी सी, वो सारे बिलोंग कर रहे हैं ना, सो ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी, इसी तरह ए प्रोडक्ट बी फिर बाद में जाकर प्रोडक्ट सी, ये भी एक रियल नंबर होंगे, इससे भी जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा और इन दोनों का आंसर सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जो थर्ड वर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी यहां पर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस आपके साथ एक नंबर मौजूद है ए बिलोंग टू रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर आपके साथ एग्जिस्ट हो जाए मिसाल के तौर पर वन, अब इस वन के साथ आप एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, इस ए को वन के साथ मल्टीप्लाई कर ले या वन को ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, दोबारा इसे ए आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव एंड
bus. So if A belong to real and there exists A inverse belong to also be real number. So A and A inverse are A inverse multiply A is equal to 1. मिसाल के तौर पर आपके साथ एक नंबर है 1 डिवाइड बाय 2 और एक दूसरा नंबर 2 एग्जिस्ट हो जाए जिससे दोबारा 1 आ जाए तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. द लास्ट वन प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की है इन मल्टीप्लिकेशन में वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है कमोटेटिव property with respect to multiplication. So is आपके साथ दो नंबर हैं a b, वो belong कर रहे हैं real number को. ठीक है students, so आपके साथ एक property अगर a को b के साथ multiply कर रहे हैं या b को a के साथ multiply कर रहे हैं, ठीक है students, और ये a b real को, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. नाउ द अनदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर एडिशन या यानी आपके साथ एक दो तीन नंबर चार नंबर है या तीन नंबर है सॉरी तीन नंबर है आपके साथ ए बी सी को बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को. सो आपके साथ ए इंटू बी प्लस सी ए बी को साथ मल्टीप्लाई कर रहे और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. और अगर ए बी के साथ ऐड कर दे फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इज आल्सो बी कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन या एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉपर्टीज है इसमें. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है सबसे पहले. इसके साथ अगर आप दो तीन नंबर ले रहे हैं, टू थ्री फोर लेते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इन दोनों को ऐड कर ले स्टूडेंट क्या था 7 इंटू और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 6 प्लस 8 यहां से 14 और यहां से क्या देगा 14 है तो सेम आंसर आ रहा है. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट आपके साथ यानी एक नंबर एग्जिस्ट कर ले ए जो बिलोंग कर रहा है आर को तो ए हमेशा के लिए ए के बराबर होगा. ठीक है, टू टू के बराबर होगा. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, के रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, दोबारा वही नंबर आ जाए. इसी तरह साइमेट्रिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. साइमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी या साइमेट्रिक लॉ. आपके साथ दो नंबर है स्टूडेंट्स ए बी, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए आपके साथ बी के बराबर आ जाए इसी तरह, या तो ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, दो नंबर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स. मैं डायरेक्ट करता हूं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है स्टूडेंट, आपके साथ तीन नंबर है ए बी सी और वो बिलोंग कर रहे रियल नंबर को. अगर ए बी के बराबर आ जाए बी सी
सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ए सी के बराबर जरूर होगा। ए बी के बराबर आ जाए, बी सी के बराबर आ जाए तो ए और सी भी बराबर होंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है सुन, आपके साथ दो नंबर्स हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके साथ दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है सुन, इसके साथ एक ऐसा नंबर यहां पर भी ऐड कर ले, यहां पर भी ऐड करें, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर एक नंबर को आप ऐड करने से बोथ साइड उससे जो आपके साथ इक्वेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके साथ दो नंबर हैं ए बी वो इक्वल है, उसके साथ अगर आप एक दूसरा नंबर सी यहां पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर भी मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, तो उससे भी कोई प्रॉपर्टी वो नहीं होती, यही मल्टीप्लीकेशन पे कोई असर नहीं आता। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कि इसको हम हर जगह पर क्या करेंगे, यूज करेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिडिशन, यानी ए प्लस बी, इसी तरह आपके साथ सी प्लस बी हो तो राइट साइड पे दोनों क्या है बी भी है, इसको आप राइट कैंसलेशन लॉ के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप के साथ यहां पर बी प्लस ए हो और यहां पर बी प्लस सी है तो आप लेफ्ट पे आपके साथ दो एस एक जैसे नंबर है इसको आप कैंसलेशन कर सकते हैं, इसको राइट कैंसलेशन लॉ, इसको लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी है स्टूडेंट, ए सी बी सी, सी सी को कैंसिल कर सकते हैं ए बी के बराबर आ जाए, इस तरह सी ए या सी बी सी सी को राइट पे लेफ्ट पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी आपके साथ क्या हो जाएगी इक्वल आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक इंशाल्लाह काफी है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे तो वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर करेंगे, तो आपने इन प्रॉपर्टीज को खूब ध्यान से देखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम कहां पर यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह 2.2 एक्सरसाइज में यहां से हम जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।